हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एस एस नॉलेज बास्केट सो चिल्ड्रन टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड सो लेट्स स्टार्ट वर्ड मीनिंग्स तो बच्चों इस सेक्शन में हम देखेंगे आपके बुक में आए हुए कुछ न्यू वर्ड्स के मीनिंग को और साथ ही साथ स्टोरी में आए हुए कुछ हार्ड वर्ड्स के मीनिंग को भी हम जानेंगे तो फर्स्ट वर्ड है स्कैम्पर, मीन्स तेजी से दौड़ना जैसा कि हमने देखा वो जो रैबिट था वो स्कैम्पर करते हुए एलिस के साइड से गया था सेकेंड वर्ड है हरीड मीन्स जल्दी में पॉप डाउन नीचे गिरना डिसअपेयर्ड गायब होना विस्कर्स मीन्स मुझे लिसनिंग सुनना सडनली अचानक कैरिड साथ रखना नेक्स्ट है क्रियोसिटी मीन्स जिज्ञासा स्लिप फिसलना पाइल ढेर डिलाइट खुशी लवलीएस्ट मीन्स सुंदर बहुत ही प्यारा जो होता है हम उसको लवलीएस्ट यूज़ करते हैं जैसा कि एलिस ने अपना एलिस ने लवलीस्ट गार्डन को देखा था इससे पहले इसने उतना सुंदर गार्डन नहीं देखा था फोर्टीन वर्ड है फाउंटेन मीन्स फवारा या झरना भी कहते हैं नेक्स्ट वर्ड है फॉलोड पीछा करना और लास्ट वर्ड है बच्चों विश विश मीस इच्छा रीडिंग इज फन क्वेश्चन लिसनिंग टू द स्टोरी वट डिड एलिस सी स्टोरी सुनते समय एलिस ने क्या देखा आंसर वाई लिसनिंग टू द स्टोरी एलिस सॉ अ वाइट रेबिट स्कैंपर बाई हर तो स्टोरी सुनते समय एलिस ने एक वाइट रैबिट को भागते हुए देखा क्वेश्चन टू वॉट वॉज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सो तो जो रैबिट एलिस ने देखा था वो दूसरे रैबिट से कैसे अलग था उसमें क्या अलग था आंसर द रैबिट दैट एलिस सॉ हैड पिंक आइज वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट कैरिड अ बिग वॉच एंड इट कुड ऑल्सो टॉक. तो जो रैबिट एलिस ने देखा उसकी आइज़ कैसे थी बच्चों पिंक कलर की आइज़ थी उसने ब्लू कोट पहना हुआ था उसके पास एक बड़ी सी घड़ी थी और साथ ही साथ वो बोलता भी था क्वेश्चन थ्री वेयर डिड द रैबिट गो कि रैबिट कहाँ गया आंसर द रैबिट वेंट डाउन इन टू अ डी वेरी डीप रैबिट होल और जो रैबिट था वो कहाँ गया एक बहुत बड़े गहरे रैबिट होल के अंदर चला गया क्वेश्चन फोर हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड एलिस वंडरलैंड कैसे पहुंची आंसर एलिस फॉलोड द रैबिट एंड जम्प इन टू द रैबिट होल एंड रीच्ड वंडरलैंड तो एलिस जो थी वो रैबिट को फॉलो किया उसने और उसने रैबिट होल में जंप किया और उसके बाद वो कहाँ पहुँच गए बच्चों वंडरलैंड पहुँच गई क्वेश्चन फाइव व्हाट स्ट्रेंज थिंग डिड एलिस सी एलिस ने कौन सी स्ट्रेंज चीज देखी आंसर

डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ तो बच्चों आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है कि जो गार्डन एलिस ने देखा वो कैसा था आंसर द गार्डन दैट एलिस सॉ वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन शी हैड एवर सीन इट हैड बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स तो जो गार्डन एलिस ने देखा था वो गार्डन कैसा था सबसे सुंदर गार्डन था ऐसा गार्डन आज तक एलिस ने कभी भी नहीं देखा था मीन्स कि बहुत ही सुंदर गार्डन था और उसमें ब्राइट फ्लार्स लगे हुए थे और बहुत सारे कूल फाउंटेंस भी थे फवारे लगे हुए थे क्वेश्चन सेवन ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स आपको इस दिए गए स्पेस में अपने सपनों के गार्डन को ड्रॉ करना है कि आप जो गार्डन है आप किस तरह का गार्डन चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर क्वेश्चन वन द रैबिट हैड वाइट आइज बिग आइज़ या पिंक आइज तो बच्चों हमने स्टोरी में देखा है द रैबिट हैज पिंक आइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज बर्निंग विथ क्रियोसिटी कि कौन था वो जो बहुत जिज्ञासा से जो जल रहा था जिसे बहुत ज्यादा जानने की इच्छा थी द आंसर इज एलिस वॉज बर्निंग विथ क्रियोसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन कौन जा कौन जो था वो गहरे गड्ढे में गिरे ही जा रहा था गिरे ही जा रहा था तो सो द आंसर इज बच्चों द रैबिट फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हु सेड किसने कहा ओह माई ईयर्स विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग ये सेंटेंस रैबिट ने कहा सा सो आंसर होगा बच्चों द रैबिट नेक्स्ट क्वेश्चन है द गार्डन एलिस सॉ वॉज जो गार्डन एलिस ने देखा था वो कैसा था बिग था लवली था या स्मॉल था सो आंसर इज लवली नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स टॉक क्वेश्चन वन डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट तो बच्चों आपको ऐसे साउंड्स बताने हैं जो आप जनरली रात में सुनते हैं तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आई हियर डॉग बार्किंग व्हीकल हॉकिंग वॉचमैनस विसल ट्रेन साउंड्स एक्सेट्रा तो मैं कौन सी आवाजें सुनती हूँ रात को कुत्तों के बोलने की और व्हीकल्स की हॉर्न की वॉचमैन जब विसिर मारता है वो आवाज़ सुनती हूँ और साथ ही साथ मुझे ट्रेन की आवाज़ भी सुनाई देती है क्वेश्चन टू है इमेजिन यू आर एलिस कि इमेजिन करिए कि आप एलिस हैं एंड योर पार्टनर इज अ रैबिट और जो आपका पार्टनर है वो कौन है रैबिट है वॉट वुड यू डू कि आप दोनों क्या करोगे तो आंसर है बच्चों इफ आई वर एलिस एंड माई पार्टनर वॉज अ रैबिट कि अगर मैं एलिस हूँ और मेरा पार्टनर अगर रैबिट होगा तो क्या करूंगी वी वुड गो टू वरलैंड टुगेदर हम दोनों एक साथ मिलकर कहाँ जाएंगे वॉन्डरलैंड जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थ्री वॉट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन कि आपको क्या लगता है कि एलिस ने गार्डन में क्या देखा आंसर एलिस सॉ ब्यूटिफुल बर्ड्स बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स कूल फाउंटेन्स एंड फ्रूट ट्रीज तो मुझे लगता है कि एलिस ने उस गार्डन में क्या देखा होगा बहुत सारी ब्यूटीफुल बर्ड्स को देखा होगा बहुत सारे फ्लावर्स बेड क्यारियाँ लगी हुई जो फूलों की थी वो सुंदर सुंदर फूल देखे उसने उसने कूल cool फाउंटेंस देखे और साथ ही साथ उसने फ्रूट्स के ट्रीज भी देखे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कुड एलिस हैव गॉट इन द गार्डन कि जो एलिस है वो किस तरह से उस गार्डन में जा सकती है आंसर है बच्चों एलिस कुड हैव Got इन टू द गार्डन बिकमिंग स्मॉलर कि एलिस को अगर उस गार्डन में जाना है तो वो कैसे जाएगी वो छोटी होके वो छोटी होके उस गार्डन में जा सकती है क्योंकि वो जो डोर था वो बहुत ही छोटा था नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स राइट क्वेश्चन वन फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स कि आपको स्टोरी से एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग यहाँ जो दिए गए वर्ड्स हैं इससे मैच करता हूँ फर्स्ट है क्वेश्चन ए टू वॉक फास्ट मीन्स टू वॉक फास्ट के लिए हम स्टोरी से कौन सा वर्ड ले सकते हैं हरिट यस हरिट का मतलब होता है जल्दी से और वॉक फास्ट मीन्स जल्दी जल्दी वो कहीं रैबिट जा रहा था उसके लिए हम हरिट वर्ड का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है टू थिंक सोचना मींस सी हैप्पी हैप्पी मीन्स सेम मीनिंग हमको स्टोरी से क्या मिलेगा बच्चों डिलाइट डिलाइट का मतलब भी हैप्पी होता है नेक्स्ट है डी टू बी सीन नो वेयर मींस कहीं नहीं दिखना और इसका वर्ड जो स्टोरी में दिया गया है दैट इज डिसअपेयर्ड मीन्स गायब हो जाना क्वेश्चन ई एट वंस मीन्स एकाएक क्विकली द वर्ड इज क्विकली एफ इज़ मूव फास्ट मीन्स स्कैम्पर मीन्स काफ़ी तेज चलना मूव फास्ट करना दैट इज़ द वर्ड गिवन इन योर बुक इज स्कैम्पर नेक्स्ट वर्ड है जी टू बी इन मीन्स क्यूरियस क्वेश्चन टू गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवेन बिलो विद सिमिलर मीनिंग एंड मेक सेंटेंसेस नाउ राइट द ऑपोजिट्स ऑफ दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेज विद दैम ओके इस क्वेश्चन में बच्चों आपको करना है जो वर्ड दिया गया है इस वर्ड के आपको सेम मीनिंग भी लिखना है और उसके ऑपोजिट्स के भी लिखना है और इन दोनों सेम मीनिंग और ऑपोजिट से आपको सेंटेंसेस भी बनाने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओके फर्स्ट वर्ड है बच्चों लवली इसका सिमिलर वर्ड होता है इसका सेम मीनिंग है अट्रैक्टिव और ऑपोजिट है बच्चों अगली सेंटेंस देखेंगे राधा हैज़ एन अट्रैक्टिव स्माइल कि राधा की जो स्माइल है वो बहुत ज़्यादा क्या है लवली है अट्रैक्टिव है और इसका ऑपोजिट का सेंटेंस है द मॉन्स्टर लुक्स अगली कि जो मॉन्स्टर था जो राक्षस था वो कैसा दिखता है एकदम अगली बहुत बदसूरत दिखता है नेक्स्ट वर्ड है टॉकिंग टॉकिंग मीन्स चैटिंग सेम मीनिंग होगा इसका चैटिंग और ऑपोजिट होगा साइलेंट और सेंटेंसेस है बच्चा राम इज चैटिंग विद हिज डैड कि राम जो है वो अपने पापा से क्या कर रहा है अपने डैड से बात कर रहा है और ऑपोजिट वर्ड का सेंटेंस है द क्लास वो साइलेंट जो क्लास जो है वो कैसी है साइलेंट है अभी नेक्स्ट वर्ड है लिसनिंग इसका सेम मीनिंग है हियरिंग एंड ऑपोजिट इज स्पीकिंग सेंटेंस देखते हैं फादर इज़ हियरिंग द ओल्ड सॉन्ग ऑन द रेडियो कि जो फादर हैं वो गाने कहाँ सुन रहे हैं रेडियो पे जो कि पुराने गानों को वो सुन रहे हैं नेक्स्ट है दे आर स्पीकिंग इन जापानीज की मीन्स वो लोग जो है वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जापनीज में नेक्स्ट वर्ड है सी मीन्स देखना और सिमिलर वर्ड है लुक और इसका ऑपोजिट है इग्नोर सेंटेंसेज है लुक एट द ब्यूटिफुल पेंटिंग कि उस सुंदर पेंटिंग को देखो दे इग्नोर द वार्निंग साइन कि जो वार्निंग साइन है उसको इन्होंने क्या कर दिया इग्नोर कर दिया अनदेखा कर दिया इस पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने लास्ट वर्ड है बच्चों सेंटर सेंटर का सिमिलर मीनिंग है मिडिल मिडिल मीन्स बीच में सेंटर भी बीच में होता है और मिडिल का मतलब भी बीच में है और जस्ट ऑपोजिट है होगा इसका कॉर्नर किनारा सेंटेंसेस है वॉट इज योर मिडिल नेम कि आपका जो बीच वाला नाम है वो क्या है जनरली बहुत सारे लोगों के बीच के नाम भी होते हैं जैसे कि राम कुमार सिंह तो जो कुमार है वो मिडिल नेम होगा अस्क्वायर हैज फोर कॉर्नर्स और इसका लास्ट सेंटेंस है कि स्क्वायर में कितने कॉर्नर्स होते हैं चार कॉर्नर्स होते हैं क्वेश्चन थ्री इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ वॉट डू यू थिंक यू विल सी वॉट वुड यू फील ओके क्वेश्चन थ्री है कि इमेजिन करिए कि आप एक जर्नी पे जा रहे हैं लेकिन वो जर्नी कहाँ की होगी बच्चों आपको अर्थ के सेंटर की तरफ जाना है अंदर की तरफ जाना है अर्थ में वॉट डू यू थिंक यू विल सी कि आपको क्या लगता है कि आपको अर्थ की जर्नी में क्या क्या दिखाई देगा और आपको कैसा फील होगा तो बच्चों आंसर हो सकता है इसका कि वेन आई विल बी ऑन द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ आई विल सी डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉयल एंड रॉक्स अंडरग्राउंड वाटर मैगमा एक्सेट्रा आई वुड फील वेरी एक्साइटेड एंड स्क्योर्ड एट द सेम टाइम कि अगर मैं अर्थ के सेंटर की जर्नी पे जाकर जाती हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा वॉट आई विल सी डिफरेंट लेयर ऑफ़ द सॉयल और रॉक्स बहुत सारे हमको लेयर्स दिखेंगे सॉयल के क्योंकि अर्थ के अंदर सॉयल है बहुत बड़े बड़े पत्थर्स दिखेंगे हमको अंडरग्राउंड वाटर भी होगा क्योंकि अर्थ के अंदर पानी भी और साथ ही साथ हमको मैगमा मीन्स गला हुआ लोहा ल, लावा दिखाई देगा और मुझे बहुत ही फील कैसा मैं करूँगी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करूँगी और साथ ही साथ मुझे बहुत डर भी लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रेबिट बिकॉज शी वॉन्ट्स टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स कि एलिस ने फॉलो किया स्ट्रेंच रेबिट को क्यों क्योंकि वो बहुत सारे शी वॉन्ट्स टू नो द नंबर ऑफ थिंग्स वो बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहती थी तो रीअरेंज दर्ड्स टू मेक द क्वेश्चन दैट एलिस इन हर माइंड तो नीचे दिए गए वर्ड्स जो है वो जम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं सेंटेंसेज है आपको इसको रीअरेंज करना है और पता करना है कि एलिस के दिमाग में क्या था वो क्या क्वेश्चन चाहती थी वो क्या जानना चाहती थी और क्वेश्चन को कंप्लीट करके क्वेश्चन मार्क आपको एंड में लगाना है तो फर्स्ट है टॉक रैबिट अ हाउ कैन तो बच्चों क्वेश्चन बनाना है क्योंकि उसके दिमाग में जो क्वेश्चन थे माइंड में उसको हमें यहाँ लिखना है हाउ कैन अ रैबिट टॉक तो फर्स्ट क्या है वह आंसर हाउ कैन अ रैबिट टॉक एंड पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड कि रैबिट जो आ, की एलिस सोचती है कि रैबिट कैसे बोल सकता है सेकेंड है गोइंग ही इज वेयर तो इसका आंसर होगा बच्चों वेयर इज ही गोइंग कि वो रैबिट था वो कहाँ जा रहा था एक ये भी क्वेश्चन उसके माइंड में हो सकता है रीड ही कैन टाइम द कैन ही रीड द टाइम कि उसके पास घड़ी थी तो क्या वो घड़ी को पढ़ सकता था घड़ी के टाइम को देख सकता था लास्ट क्वेश्चन है हरी इज इन अज ही इन hurry? कि वो जल्दी में क्यों था सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर फाइव द स्टोरी नेम्ड एलिस इन वंडरलैंड तो बच्चों आपको जब भी मौका मिले तो इस स्टोरी को पूरा पढ़िए आपको बहुत ही मज़ा आएगा तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स समझ आ गए होंगे तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ टिल देन गुड बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग